आज की इस वीडियो में बात करेंगे समर विंटर एंड और उससे आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा मंथ बेस्ट होगा गोवा में आकर मजा मस्ती और कैसीनो क्लब और पार्टी और बीच साइड में जाकर मस्ती करना कौन सा मंथ आपको पसंद है, अब आपको चूज करना होगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन अगर फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर हो तो। और इसी तरह सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा और मैं यही सोचता हूँ अगर मैं गोवा में हूँ तो अपने जितने भी एक्सपीरियंस है सब आपके साथ मैं शेयर करूं जिसके माध्यम से आप गोवा में आकर एक अच्छा टूर। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ एंड मेरा नाम अमित कुमार। तो आज की जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस टॉपिक पर चलकर बात करते हैं, विच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा। कौन सा ऐसा मंथ है जिस मंथ में अगर आप गोवा में एंट्री करते हो तो आपका सिर्फ बल्ले बल्ले ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरे हम बात करेंगे और मैं बता दूं सबसे पहले अभी लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर से वीडियो मतलब मैं बीच पर जाकर वीडियो नहीं बना रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं जितना हो सके अपने इंडोर होम से ही रूम से ही आपके लिए एक अच्छा टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा में जो तीन सीजन माना जाता है समर मॉनसून एंड विंटर, तीनों सीजन पर बात करेंगे उसका क्या एडवांटेज है और क्या उसका डिसएडवांटेज है, दोनों पर बात करेंगे। और गोवा तो एक ऐसा जगह है आप कभी भी आकर फुल मस्ती कर सकते हो, चाहे वो समर विंटर और मॉनसून कभी भी हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मगर आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कब और किस मंथ में गोवा के लिए ट्रेवल करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन और इसी तरह का पूरा आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियो मिलता रहे गोवा का टिप्स ट्रेवल और जितने भी अच्छे अच्छे जो इन्फॉर्मेशन है सब चीज अपने चैनल पर मैं देता रहूंगा। और एवरीडे अपने चैनल पर मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ 6 और 7 के बीच में, मगर हाँ कभी कभी समय लग जाता है 1 घंटा भी अपलोड होने में, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड कितना है और कैसे चल रहा है यार। और कभी कभी 15-20 मिनट भी अपलोड हो जाता है, मतलब आपको एवरीडे एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलो बात करते हैं अभी का जो सीजन स्टार्ट होने वाला है 15 जून से, सीजन है मॉनसून। और मॉनसून का अपना बात ही कुछ और है यार। तो मॉनसून जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर एंड अक्टूबर तक मॉनसून रह जाता है। अगर कंपेयर टू बात करते हो लास्ट ईयर नवंबर तक मॉनसून था, मगर ऐसे माना जाता अक्टूबर तक आपको मॉनसून मतलब 8 मंथ यहाँ गोवा में मॉनसून रहता है, मगर मॉनसून का बात ही कुछ और है। मगर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉनसून में अगर आप गोवा में आते हो आपको कितना पे करना होगा रूम रेंट, कहां पर जाओगे, क्या दोगे, सबकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। नवंबर दिसंबर जैन एंड फेब 4 मंथ तक गोवा में विंटर होता है, जो मेरा मानना है गोवा का बेस्ट सीजन विंटर का सीजन होता है, जहां पर आपको थोड़ा भाई किसी बात का नहीं सोचना होगा कि शायद बाहर जाऊंगा तो मॉनसून बरसात होंगे, ऐसा भी नहीं होगा बाहर जाओगे तो पूरा कड़क धूप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा फेवरेट जो अगर मंथ है गोवा में नवंबर दिसंबर है, जैन वन ऑफ द बेस्ट मंथ है। मगर इस मंथ में अगर आप गोवा में विजिट करते हो नवंबर और फेब के बीच में तो जो रूम रेंट होते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऐसे ही विंटर खत्म होता है और मार्च मंथ से स्टार्ट हो जाता है समर, और समर मंथ यार बेस्ट मंथ मैं इसे भी मानता हूं क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो अगर बीच में अगर आप किसी भी बेस्ट बीच पे जाते हो जैसे अरम्बुल अश्विम मैंड्रेम एंड साउथ के पालोलिम बीच पे जाते हो तो आपको हार्डली आपको इंडियन देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको फॉरनर ही दिखेंगे उस बीच पर, जहां पर आपको दिखेगा सारे बेड पर पड़े हुए हैं सन बात करते हुए आपको दिख जाएंगे वो लोग। तो समर भी मुझे लगता है अच्छा है, मगर मॉनसून जो अभी आने वाला है मैं कहीं ना कहीं मैं मॉनसून को उतना पसंद गोवा में नहीं करता। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कौन सा मंथ पसंद। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोवा में आते हैं जो मॉनसून का मजा करते हैं, जब बारिश होते तो लोग जाकर भीगना पसंद करते हैं, मगर मुझे इसलिए बारिश नहीं पसंद है क्योंकि मुझे वाटर स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी जो बंद हो जाते हैं सैक सारे रिमूव हो जाते हैं जिसकी वजह से मुझे उतना पसंद नहीं है। मगर ऐसे बात करना बारिश में जाकर भीगना यार मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं लास्ट ईयर 2019 का अच्छी तरह से पूरा मजा लिया था, ऑलमोस्ट गोवा के सारे बीच पर हमने गया था। और अगर आप जाकर हमारे चैनल पर सर्च करोगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो मॉनसून में गोवा दिखता कैसा है। और इस एक चीज और यहाँ पर बता दो, अगर आप मॉनसून में अगर आप गोवा में आते हो मॉनसून में तो यार बारिश तो होंगे ही कॉन्स्टेंटली, अक्टूबर तक अक्टूबर फर्स्ट वीक तक बारिश होंगे, और जैसे ही नवंबर में जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो विंटर का यार क्या कहना, विंटर चलेंगे फेब तक और मार्च स्टार्ट हो जाएगा समर, समर चलेगा जून तक मतलब 31 मई जो अभी चल रहा है कुछ इसी तरह से आपको दिखेंगे। मगर अगर आप समर में आप गोवा में आते हो विंटर और समर मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट मंथ है
गोवा घूमने के लिए। अगर आपको मानसून पसंद है तो आप आ सकते हैं, और बिलो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, और वहां पर चलकर आपसे बात कर ले, कुछ भी क्यूरी हो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। मैं गोवा में हूं और हमने सारे एक्सपीरियंस को मैंने फील किया है 6 साल से, आज 6 साल से मैं सोचता हूँ सारा जितने भी एक्सपीरियंस हमारे पास है सारा मैं आपको एक एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिसके माध्यम से आप गोवा का एक अच्छा टूर कर पाओ। और जब भी अगर अच्छा लगता है अगर हमारा वीडियो, तो यार लाइक करना मत भूलना। सजेशन है अगर आप सोचते हो कुछ और भी आपके पास टॉपिक हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो गोवा में आएंगे क्या करो कैसे, तो मुझे बिलो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना और मैं उस टॉपिक पर एक आपके लिए मस्त वाला वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सारे अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मस्त लाइफ अमित कुमार। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मगर बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या जून जुलाई अगस्त में गोवा में आ जाओगे, तो सिर्फ आपके लिए एक मस्त सा वीडियो लेकर आ रहा हूं जो लोग एक्साइटेड गोवा आने के लिए और सोच रहे जून जुलाई जैसे ही ट्रेन और फ्लाइट स्टार्ट हो जाता आप लैंड गोवा। तो कल का वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा, कल शाम को 6 और 7 की वीडियो 7 के बीच में हमारे चैनल पर वीडियो आ जाएंगे, तो प्लीज आप कहीं भी रहना एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर लेना। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, अगर फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ और नॉर्थ, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपको सबसे सस्ता रूम मिलता है और सबसे मतलब बेस्ट बीच का भी एक अच्छा खासा आपको व्यू मिलता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो यही है गोवा में 3 सीजन माना जाता है, समर, मॉनसून एंड विंटर। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा मंथ में गोवा में आकर घूमना चाहते हो। और भी कुछ भी क्यूरिया बिलो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज कर देनेगा और मैं आपको रिप्लाई वहां पर कर दूंगा, और इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। डिपेंड करता है, बहुत जल्द मॉनसून स्टार्ट होने वाले हैं, हम चलने वाले हैं, चलकर दोनों पूरा फुल मस्ती करेंगे, गोवा के हर कोने में जाएंगे, जिस कोने में जाने के बाद थोड़ा पता लगाएंगे कि मॉनसून में कौन सा जगह है जहां पर आप जाकर पूरे फुल मस्ती करो। हाँ, कुछ लोग मुझे यहाँ ये भी मैसेज मुझे कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि क्या मैं जून और जुलाई में गोवा आ सकते हैं।